अगर आज आप इस वीडियो को कंप्लीट फॉलो करते हैं तो आप ये तो सीख जाएंगे कि पेयोनीर के ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट होता है, साथ ही साथ आप ये भी सीख जाएंगे कि ये $1,325 मैंने कैसे अर्न किए और आप कैसे कर सकते हैं। और इसके साथ आप लोगों को $50 का साइन अप बोनस भी मिलने वाला है। कैसे ये सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आप लोग किस तरह पेयोनीर के ऊपर सक्सेसफुली अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं इन 2024। ये वीडियो बाद में भी आपके काम आने वाली है, तो भाई अपडेटेड वीडियो है, तो लिहाजा इसको कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करना है। डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, फेसबुक पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो बायो में लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू अगर आप आते हैं तभी आपको यहाँ पर ये $50 का बोनस मिल सकता है, ये आपने मेक श्योर कर लेना है। अगर आप डायरेक्टली आते हैं तो फिर आप ये बोनस जो आपको मिल सकता था ये आप मिस कर देंगे। तो आपने उस लिंक ऊपर क्लिक करना है और आप आ जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद आपने सिंपली साइन अप के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, गेटिंग स्टार्टेड है, इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं, कंपनी अकाउंट बना रहे हैं। भाई हमारे केस में इंडिविजुअल अकाउंट है, मेजोरिटी हम लोगों ने फ्रीलांसिंग के लिए अकाउंट बनाना होता तो भाई हम एज एन इंडिविजुअली काम कर रहे तो यही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, दोबारा ईमेल एड्रेस को एंटर कर देना और डेट ऑफ बर्थ आपने एंटर कर देनी सिंपल। फिर आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। मैं फटाफट से डिटेल्स फिल कर लेता हूँ। नेक्स्ट आ जाएंगी भाई जन कॉन्टैक्ट डिटेल्स। सबसे पहले आप कंट्री सिलेक्ट करोगे, अपना स्ट्रीट एड्रेस आपने एंटर कर देना है, जहां पर आप रहते हैं भाईजन वो कंप्लीट एड्रेस आपने एंटर करना है। एंड एक चीज का ख्याल रखना है कि उस एड्रेस का आपके पास प्रूफ हो। फॉर एग्जांपल घर का सेम एड्रेस आपने एंटर कर देना है और प्रूफ के लिए आप जो घर का आपका बिजली का बिल होता है, यूटिलिटी बिल्स होते हैं, आप उसके थ्रू इजीली घर के एड्रेस को अप्रूव करवा सकते हैं। सो भाई वही एड्रेस आपने एंटर करना है, खुद से कोई एड्रेस आपने एंटर नहीं करना। उसके बाद जिप कोड एंटर करेंगे, यहाँ से आपने अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लेना है, अपना कोड देंगे आप, ठीक है, जिस भी कंट्री से आपने अपना यहाँ पे कोड सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे सेंड कोड के बटन पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर हमने अपना कोड एंटर कर दिया, अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपका यूजर नेम है जो आपने ईमेल एंटर किया है वो आपका बाय डिफॉल्ट यहाँ पे यूजर नेम आ गया होगा। उसके बाद आप यहाँ पे एंटर करोगे पासवर्ड, री एंटर पासवर्ड। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया, सिक्योरिटी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैंने उसका आंसर लिख दिया, ठीक है। आपने भी अपना आंसर जो लिख देना और इसको भाईजान याद रखना है, ये आपका अकाउंट रिकवर करते वक्त आपके बहुत काम आता है, कभी भी इशू बन सकता है, तो आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन को अपने याद रखना है। उसके बाद भाईजान आप यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करोगे और यहाँ से आपने आईडी टाइप सेलेक्ट कर लेना, नेशनल आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट। यहाँ पर जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसके थ्रू बाद में आपकी आईडी को वेरीफाई किया जाएगा। सो मेक श्योर कि आप राइट डिटेल्स एंटर कर रहे हैं। अंडर 18 है तो भाई आप अपने फादर के नाम पे, मदर के नाम पे, किसी घर में किसी भी फर्द के नाम पे आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं एंड उनका बैंक अकाउंट होना भी जरूरी है, लेकिन ट्रस्टेड बंदा हो, बाद से पहले आके थोड़े नस ना जाए, उसका आपने खुद ख्याल रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना आईडी कार्ड नंबर एंटर कर देना है। नेक्स्ट है जी, आपने अपना फर्स्ट नेम अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर ऐड करना है, फिर लास्ट नेम आपने अपने लोकल लैंग्वेज के अंदर ऐड करना है। फॉर एग्जांपल हिंदी है तो हिंदी के अंदर, आप पाकिस्तानी है तो हमारी यहाँ पे लोकल लैंग्वेज उर्दू है तो उर्दू के अंदर, तो जो भी, क्योंकि हमारा आईडी कार्ड के ऊपर नाम भी इंग्लिश एंड उर्दू दोनों के अंदर मौजूद होता है, तो हमने यहाँ पर अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर नाम लिख देना है। उसके लिए हम यूज करेंगे गूगल इनपुट टूल्स। सिंपली आप जाकर लिखो गूगल पर, गूगल इनपुट टूल्स, इस पर क्लिक कर दो, ट्राई आउट। यहाँ से इंग्लिश की जगह आपने सेलेक्ट करनी है अपनी लोकल लैंग्वेज उर्दू। और यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ, लेट्स से बस इतना स्पेलिंग मिस्टेक जानबूझ के कर रहा हूँ, क्योंकि इससे देखिएगा मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट नाम यहाँ पे लिखा आ रहा है, तो मैंने इसको कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया, जो भी मेरा ऑब्वियसली फर्स्ट नेम होगा यहाँ पे, और उसके बाद अली। सो अली, तो यहाँ पर मैंने अपना पूरा नेम एंटर कर दिया। यहाँ पर मैं आईडी कार्ड नंबर एंटर करूंगा, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट है जी, यहाँ पर आपने अपने अकाउंट की डिटेल्स एंटर कर देनी है। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट है या बिजनेस अकाउंट है आपने सेलेक्ट कर लेना है, आप दोनों ही एंटर कर सकते हैं। मैंने पर्सनल अकाउंट भी रखा हुआ और मेरा बिजनेस अकाउंट दोनों मैंने अपने इंडिविजुअल पेयोनीर अकाउंट के अंदर अटैच किए, आप भी कर सकते हैं। सो नॉर्मली हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, कंट्री सेलेक्ट करोगे, करेंसी सेलेक्ट करोगे, उसके बाद यहाँ पर आपने अपना बैंक नेम सेलेक्ट करना है, अकाउंट होल्डर का नेम, जिस नाम पे आपने अकाउंट क्रिएट किया है मैंने पहले ही बोला था कि उसी नाम पे बैंक अकाउंट होना चाहिए, आईबीएन नंबर, और उसके बाद CNIC यहाँ पे जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, नंबर एंटर करोगे, आई अग्री एंड सबमिट, दैट्स इट। आपकी अकाउंट डिटेल सबमिट हो जाएगी और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे आपका साइन अप प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि ये अब $1,325 मैंने कैसे कमाए, आप कैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए जी, होम का बटन है, होम पे आप जाके अपनी जो लेटेस्ट ट्रांजैक्शन है आपके अकाउंट में बैलेंस कितना वो चेक कर सकते हैं। गेट पेड के ऊपर क्लिक करेंगे, किसी को पेमेंट रिक्वेस्ट करनी है, मतलब आप डायरेक्ट क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, यहाँ से आप पेमेंट रिक्वेस्ट उसको सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप पे के ऊपर क्लिक करते हैं, किसी को पेमेंट आपने सेंड करनी है वो यहाँ से आप सेंड कर सकते हैं, मतलब आपके कुछ एम्प्लॉयज आपने उनको रेगुलर पेमेंट्स करनी है तो आप यहाँ से उनके बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, पेयोनीर ऐड कर सकते हैं और आप उन्हें सेंड कर सकते हैं। फिर पेयोनीर कार्ड है, आप अपना पेयोनीर कार्ड यहाँ पे एक्टिवेट करवा सकते हैं और फिजिकली उसे मंगवा भी सकते हैं, जैसे कि मेरे पास भी है। उसके बाद है विद्रॉल एंड ट्रांसफर, विद्रॉ टू बैंक अकाउंट, जो भी पेमेंट आपने मंगवाई है भाई उसको आप यहाँ पे मैनेज बैंक अकाउंट पे सबसे पहले आपने क्लिक करना है, जितने भी बैंक अकाउंट्स आपने अटैच होंगे ये आपके सामने आ जाएंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे सिंपली ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक कर लेना है, पर्सनल है बिजनेस है वो आप सिलेक्ट करोगे। बाय द वे आपने एक बैंक अकाउंट ऑलरेडी अटैच कर दिया होगा सबमिट जब आपने किया है एप्लीकेशन को,
वो भी काफी है। अलग से अगर आपने मजीद बैंक अकाउंट अटैच करने है तो वो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से करेंसी सेलेक्ट करोगे, नेक्स्ट करोगे, वही बैंक डिटेल्स आपने सिंपली एंटर करनी, आई कन्फर्म, नेक्स्ट, और उसके बाद आप इसे सबमिट करोगे, आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर अटैच हो जाएगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है। फिर आपके पास अकाउंट एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन वगैरह हर चीज़ आप यहाँ से चेक कर सकते हो। बैंक एंड एक्सटर्नल कार्ड, जितने भी रिसीविंग अकाउंट रिसीविंग बैंक है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ें आप एक्सप्लोर करोगे, आपको समझ आ जाएगा। फिर नीचे आता है जी बिजनेस नेटवर्क, यहाँ पर आपके पास एक बटन आता है जी रेफर अ फ्रेंड, ये ऑप्शन आ रही है, इस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको एक लिंक मिलता है जिसे अगर आप शेयर करते हो तो ये आपका है रेफरल लिंक। जब आपके लिंक से कोई भी बंदा पेओनीर के ऊपर अकाउंट क्रिएट करेगा और $1,000 की ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेगा, चाहे वो एक ही बार में कर ले, चाहे वो हिस्सा हिस्सा कर ले, मतलब $100 आ रहा है, कभी 500 आ रहा है, किसी का एकदम 1,000 ही आ जाता है, तो $25 भाई उसको भी बोनस मिलेगा और $25 आपको भी बोनस मिलेगा। लेकिन जो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मैंने आपको लिंक दिया जिसके थ्रू आपने साइन अप किया, अगर आप उससे आते हैं तो $50 आपको बोनस मिलेंगे। वो स्पेशल लिंक है आप लोगों के लिए, अगर आप उसके थ्रू साइन अप करते हैं तो आपको $50 का साइन अप बोनस मिलेगा, और बाद में आप जब अकाउंट क्रिएट कर ले आप चाहें तो अपना रेफरल लिंक यहाँ से प्रमोट कर सकते हैं और यहाँ पे आप अर्निंग कर सकते हैं। ये तो खैर मेरी काफ़ी एक बहुत पुरानी वीडियो उसका रिजल्ट है, उसके बाद मैंने इस लिंक को प्रमोट नहीं किया, तो स्टिल मैंने इतनी अमाउंट अर्न कर ली है, तो आप भी कर सकते हैं। नॉर्मली आपको पता है फेसबुक ग्रुप्स में इधर उधर अगर आप किसी को पेओनीर अकाउंट की जरूरत है तो आप अपना लिंक वैसे ही रेफर करते हैं, फ्रीलांसर्स की कम्युनिटी सो होती हैं, तो आप रेफर कर देंगे तो आप भी इस तरह अमाउंट अर्न कर सकते हैं। ये आपकी कमेटी है, जब निकलगी तो निकलगी, जैसे $1,000 की ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ करेगी आपको यहाँ पर ये बोनस मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिए, और इसके अलावा अगर आप फ्रीलांसिंग में मनी मेकिंग ऑनलाइन में इंटरेस्टेड है तो हमारे यूट्यूब चैनल एचपी सर्विसेज पर जाएं, मास्टर क्लास पे एचपी सर्विसेज में वन ऑफ द टॉप एंड बेस्ट आईटी कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवाए जा रहे हैं, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास, आप यहाँ से सीखें और कमाना स्टार्ट करें। मैं मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।